मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। शिवराज कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है। योजना की शुरुआत 7 जून से होगी। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को काम सिखाया जाएगा और इसके बदले सरकार की ओर से उन्हें पैसा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 12वीं पास, ITI किए हुए बच्चों से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों तक पात्र होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हम 700 तरह के कामों को बच्चों को सिखाएंगे, जिनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल से लेकर वित्तीय सेवाओं सहित अन्य काम होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भले ही इन कामों को हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सिखाएंगे, लेकिन काम के बदले हम बच्चों को पैसा भी देंगे। हमने अलग अलग तरह के कई काम, लगभग 700 हैं वो, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, ITI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं संबंधी काम बच्चों को सिखाए जाएंगे। काम सिखाने के लिए ये अलग अलग, जो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बड़े उद्योग हो, MSME उद्योग हो या सर्विस सेक्टर हो, उसके 700 काम अलग अलग सिखाए जाएंगे। और काम किसी प्राइवेट फैक्ट्री हो, इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और DBT के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। आप जानते हैं 1 लाख पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 60,000 से ज़्यादा भर्तियां हो गई हैं और 40,000 भी जल्द हो जाएंगी। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने निर्देश दिए और कहाँ कहाँ शासकीय सेवा में भर्ती की गुंजाइश है उसका भी परीक्षण करा के 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वरोजगार के प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। आप जानते हैं हर महीने हम रोजगार दिवस करते हैं और उस दिन लगभग 2.5 लाख नौजवानों को रोजगार के लिए लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और ब्याज का अनुदान भी देती है, तो स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करने का हमारा प्रयास चल रहा है। मैंने आज फिर निर्देश दिया कि और कहां कहां गुंजाइश है भर्ती की शासकीय सेवा में, उसका भी परीक्षण करके 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी 1 लाख के अलावा। दूसरा, स्वरोजगार के प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। आप सब जानते हैं हर महीने हम रोजगार दिवस करते हैं और उस दिन लगभग 2.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार के लिए लोन, जिनमें से गारंटी सरकार लेती है और ब्याज का अनुदान भी देती है, तो स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करने का हमारा प्रयास चल रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।